भगवान श्री राम के नाम पर सियासत राजनीति में कोई नया अध्याय नहीं है। इतिहास गवाह है कि धर्म को राजनीति में हमेशा ही भुनाया गया है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश कांग्रेस ने नया दांव खेला है। कांग्रेस ने तय किया है कि वो 23 सितंबर से राम पथ गमन यात्रा निकालेगी। ये यात्रा उस मार्ग से होकर गुजरेगी जहां से वनवास के दौरान भगवान श्री राम गुजरे थे। कांग्रेस मीडिया विभाग की प्रमुख शोभा ओझा ने आरोप लगाया है कि मध्य प्रदेश के घोषणा वीर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अक्टूबर 2007 को चित्रकूट में 25,000 करोड़ रुपए की लागत से राम वन गमन पथ का निर्माण करने की घोषणा की थी, लेकिन मुख्यमंत्री की अन्य घोषणाओं की तरह ये घोषणा भी जुमला साबित हुई और ये निर्माण नहीं हो पाया। शोभा ने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता हथियाने के लिए भगवान राम के नाम को हथियार के रूप में इस्तेमाल करती आई है। उनकी भावनाएं सिर्फ वोट तक ही सीमित हैं। भारतीय जनता पार्टी जहां गौ माता के नाम पर राजनीति करती है, वहीं मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा आगर में बनाए गए देश के पहले गौ अभ्यारण्य में गाय भूख प्यास से तड़प कर मर जाती हैं। साल के आखिर में मध्य प्रदेश में चुनाव होना है और ये सारी बयानबाजी और तूतू मैमे का खेल चुनावी रणनीति का हिस्सा है। बेशक इस चुनावी बयानबाजी का आप भी लुत्फ उठाइए, लेकिन रहिएगा सतर्क, क्योंकि आपकी जागरूकता ही आपके अगले 5 साल को बेहतर से बेहतरीन बना सकेगी। सोशल मीडिया पर खबरों की लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल को और हमें सब्सक्राइब भी करें।